हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिसिन मेडिसिन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व जीपेट 2019 फार्माकोलॉजी एमसीक्यू सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन। सो फर्स्ट सिलेक्ट द अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग फ्रॉम द फॉलोइंग। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सिलेक्ट द अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सो फर्स्ट देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ अल्सर प्रोटेक्टिंग ड्रग्स। फर्स्ट इज सुक्रालफेट and second is colloidal bismuth salt. Okay, what is special point about sucralfate? Sucralfate ka special point kya hai ki it is polymerized at the pH less than 4. Okay, agar GIT ka pH means GIT ka ye pH agar less than 4 hoga to hi sucralfate polymerize hoga aur uska action show kar payega, baki sucralfate uska action show karega nahi. And the special point about colloidal bismuth salt is that it causes bone एंड ब्रेन टॉक्सिसिटी। ओके, ये क्या करेगा, ब्रेन और बोन में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। ओके, अब अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है? सो इट मेक्स एन प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द अल्सर। वो क्या करते हैं, अल्सर के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से जो HCl जो प्रेजेंट है हमारे GI ल्यूमेन में वो उस अल्सर को टच होगा नहीं, और अल्सर को टच होगा नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा, पेन का पेशेंट को पेन होगा नहीं। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सुक्रालफेट। नाउ वी सी अनदर एमसीक्यू दैट द एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद बीटा 2 एगोनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाय इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा डस नॉट इंक्लूड। ओके, अब अस्थमा का पेशेंट है, अब हम अस्थमा के पेशेंट को कौन सी ड्रग देंगे, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ओके, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्यों देते हैं, बिकॉज इन ब्रोंकस, इन अवर ब्रोंकस देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो वो क्या करेगा, इट कॉसेस ब्रोंको डायलेशन। व्हाट इट डू, इट कॉसेस ब्रोंको डायलेशन, दैट्स व्हाई वी गिव द ड्रग लाइक सालबुटामोल, फॉर्मिटेरोल टू द पेशेंट ऑफ अस्थमा। ओके, अब इसमें क्या पूछा है कि द एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद बीटा 2 एगोनिस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन रूट इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा डज नॉट इंक्लूड, मींस ये ड्रग क्या कॉज नहीं करेगी। ओके, ऑप्शन में क्या है, पेरिफेरल वेसोडायलेशन, हाइपरटेंशन, टैकिकार्डिया के फाइन ट्रेमर्स। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइपरटेंशन। व्हाई, बिकॉज इन अवर हार्ट, इन अवर हार्ट देर इज अ प्रेजेंस ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर, हार्ट में तो बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और हम जो ड्रग दे रहे हैं वो बीटा 2 को स्टिमुलेट कर रही है, वो बीटा 2 को स्टिमुलेट करेगी तो हार्ट का उसका कोई भी लेना देना होगा नहीं। दैट्स व्हाई द ड्रग्स लाइक बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट इट कैन नॉट कॉसेस हाइपर टेंशन। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज द हिमेटोक्रिट 65 to 70% इंडिकेट्स। ओके, अब कोई पेशेंट है जिसको हिमेटोक्रिट वैल्यू इसकी 65 to 70% है तो वो क्या इंडिकेट करता है। ओके, तो पहले तो हम ये देखेंगे हिमेटोक्रिट होता क्या है। सो हिमेटोक्रिट मींस इट इज अ टोटल आरबीसी काउंट इज प्रेजेंट इन योर ब्लड, के अपने ब्लड के अंदर आरबीसी काउंट कितने प्रेजेंट होते हैं उसकी वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट। ओके, अब ये वैल्यू मेल में 41 to 50% हिमेटोक्रिट वैल्यू होती है, एंड इन फीमेल इट्स अबाउट 36 to 44%। ओके, अगर हिमेटोक्रिट की वैल्यू कम हो जाती है तो इट कॉसेस अनेमिया, और अगर हिमेटोक्रिट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो इट कॉसेस पॉलीसाइथेमिया। What it causes? It causes polycythemia. So हमारे जो क्वेश्चन उसके अंदर हिमेटोक्रिट की वैल्यू कितनी दी है, 65 to 70%, means ये normal range से ज्यादा है। That's why the answer of this question is polycythemia. Okay? So we move it over next question. That the several different chemicals released by microbes and inflamed tissue attract phagocytosis, phagocytes. This phenomena is called. Okay? अब जब भी किसी पेशेंट को इन्फ्लामेशन होता है, ओके, इन्फ्लामेशन अगर किसी को होगा तो, कोई पेशेंट को इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू बी सी जो काउंट होते हैं वो इन्फ्लामेशन वाले एरिया में
आना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये जो WBC का रिक्रूटमेंट होता है फ्रॉम द ब्लड टू इन्फ्लामेशन एरिया, इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। उसको हम क्या बोलते हैं? कीमोटैक्सिस मींस जो इन्फ्लामेशन एरिया है वो क्या करता है, WBC को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, फेगोसाइट्स को। ओके, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज अ कीमोटैक्सिस। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। सो 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर कौन सा होता है? सो पहले तो 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर एंजाइम होता कहां पे? सो इसका मेन फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारा जो प्रोस्टेट होता है, ये प्रोस्टेट उसकी साइज को डिक्रीज करता है, और ये जो डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है वो हमारे प्रोस्टेट की साइज को इंक्रीज करता है। ओके, तो अगर कोई पेशेंट है जिसको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है, ठीक है, और प्रोस्टेट कैंसर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? टेस्टोस्टेरोन का लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो प्रोस्टेट की साइज को कम रखे। सो हम क्या करते हैं, हमने किसी ड्रग बना दी जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे। सो वी मेड अ ड्रग दैट इनहिबिट 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं और टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज रहेगा, ठीक है। सो उस ड्रग का नाम है दैट इज फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड इज अ 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। Okay, so we move with our next MCQ, that identify the false statement about benzodiazepine from the following. Okay, benzodiazepine ke related humko false statement ढूंढना है। पहले तो benzodiazepine कौन सी class का drug है? So it is a sedative and hypnotic। उसको हम कहाँ use करते हैं? Yes, we use in the treatment of convulsion, in insomnia। Okay, ये सब disease में हम इसको use करते हैं। Now, अब हम options देखते हैं। First, benzodiazepine causes reduction of anxiety. Yes, it's true कि benzodiazepine anxiety को reduce करता है। benzodiazepine causes convulsion. No, it's wrong. ये wrong है। क्यों? benzodiazepine convulsion को कम करता है, कभी खुद convulsion करेगा नहीं। Now, third option is benzodiazepine produce muscle relaxation and loss of motor coordination. ये भी true है। And benzodiazepine are also useful in insomnia. ये भी correct है। So your answer is benzodiazepine causes convulsion. क्योंकि benzodiazepine कभी convulsion नहीं करता। और हमको इसमें क्या ढूंढना था? False statement. Okay? Now, the antiemetic drug activity of glycopyrrolidinium is related to potent inhibition of DAS receptor both peripherally and centrally. ओके, अब एंटीमेटिक इफेक्ट ग्लाइकोपाइरोनियम, ग्लाइकोपाइरोनियम क्या है? सो इट इज एन एंटी मस्केरेनिक ड्रग। ये कैसा है? ये एंटी मस्केरेनिक ड्रग है, मींस इट ब्लॉक्स M1 रिसेप्टर, वो M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। सो आंसर इज M1। नाउ द टर्म एन्यूरिज्म रिफर्स टू, अब एन्यूरिज्म में क्या होता है? सो एन्यूरिज्म का मीनिंग होता है कि देयर इज एन परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। एज यू सी इन दिस इमेज कि इधर ये जो ब्लड वेसल है उसका परमानेंट क्या हो गया? डायलेशन। ओके, एंड दिस परमानेंट डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज एन्यूरिज्म। ओके, सो द आंसर इज बी। नाउ वी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ओके, इसमें से कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन सा नहीं है? सो वी सी फर्स्ट द क्लासिफिकेशन। ये कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में मेट्रोप्रोलोल, एटेनोलोल, एसीबुटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बीटाक्सोलोल, सेलिप्रोलोल एंड नेबिवोलोल ड्रग्स इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये जो पिंडोलोल है इट इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पिंडोलोल। ओके, बिसोप्रोलोल, नेबिवोलोल एंड एसीबुटोलोल दीस आर दी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। एंड देर इज वन स्पेशल पॉइंट अबाउट नेबिवोलोल इज दैट इट ऑल्सो कॉसेस नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। वो नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करता है? रिलीज करवाता है। ये उसका एक अलग स्पेशल पॉइंट है। नाउ वी सी अनदर एमसीक्यू, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कन्वेंशन हैविंग बोथ इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक सिनेप्स एंड फैसिलिटिंग ऑफ गाबा मैमेटिक
क्लोराइड चैनल ओपनिंग एक्शन। ओके, अब हमको पूछा है कौन सा एंटी कन्वर्शन ड्रग है जिसके दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, इनिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामाइनर्जिक साइनेप्स एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट गाबा मीडिएटेड क्लोराइड ओपनिंग। ओके, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, ऐसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी होती है। ओके, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी होगी? यस, सो योर आंसर इज वालप्रोएट, दैट इज सोडियम वालप्रोएट। सोडियम वालप्रोएट की मेनली सारे एक्शन होते हैं और उसमें से मेन होते हैं इनिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी ग्लूटामिनर्जिक साइनेप्स एंड दे आल्सो फैसिलिटेट गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। ओके, सो योर आंसर इज वालप्रोएट। नाउ वी सी another MCQ, that is which of the following directly inhibit factor 10A। अब कौन सा ड्रग है जो डायरेक्टली फैक्टर 10A को इनिबिट करता है? ओके, सो इसमें मेनली टू फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर होते हैं फैक्टर 10A एंड एक फैक्टर 2A। ओके, फैक्टर 10A को जो भी ड्रग इनिबिट करता है वो ड्रग के अंदर सबके अंदर क्या होगा? साबेन। ओके, साबेन मींस रिवारोक्साबेन। ओके, रीवा रोक्साबेन, इस जितने बैने होती है वो सारी क्या होती है? फैक्टर 10A इनिबिटर। ओके, एंड फैक्टर 2A इनिबिटर में कौन से आता है ड्रग? दैट इज डेबिगेट्रान। डेबिगेट्रान इज फैक्टर 2A इनिबिटर। ओके, सो द आंसर इज रीवा रोक्साबेन। नाउ न्यूमरस अनदर एमसीक्यू, दैट इज न्यूमरस आइसोमर्स ऑफ ह्यूमन लिवर P450 एंजाइम have been identified, it is not worthy that dash alone is responsible for metabolism of over 55% of the prescription drug metabolized by liver, means कौन सा microsomal enzyme होता है जो more than 50% drug को metabolize करता है? Yes, so your answer is CYP3A4। Okay, CYP3A4 ऐसा microsomal enzyme family है जो more than 50% drug को metabolize करती है। Okay, नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया मींस क्या होता है? सो एनाप्लेसिया मींस इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस दैट आर ऑकर इन नॉर्मल सेल, मींस हमारे जो नॉर्मल सेल है उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होके वो उसका ऑल्टरेशन आ जाता है सेल के शेप में, दैट इज नोन एज एनाप्लेसिया। ओके, सो आंसर इज morphological function alteration that are different from normal cell. Okay, next, identify the drug which is not useful in the treatment of tuberculosis. Okay, ab tuberculosis ke jo first line drug hote, okay, tuberculosis ke jo first line drug hote usme kon kon se drug include hote, to that are HRZES. Okay, means isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and streptomycin. Okay, ये mainly five drugs include होते हैं the first line treatment of tuberculosis. Okay, अब हम option देखेंगे. So first, pyrazinamide, yes, वो यूज होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी यूज होती है एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इफ अ पेशेंट इज हैविंग एनी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। ओके, अगर किसी पेशेंट को ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस हुआ है देन वी आल्सो यूज सिप्रोफ्लोक्सासिन बट वी नेवर यूज जेंटामाइसिन। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जेंटामाइसिन। Now, another MCQ is which one of the following is not the role of nitric oxide? अब nitric oxide का क्या role नहीं होता है? So first of all, nitric oxide का role क्या होता है? So nitric oxide release होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? Vaso dilation। जहाँ nitric oxide आएगा वो क्या करेगा? वो vaso dilation करेगा। अब options, first relieving vascular smooth muscle, yes। ओके, वो वैस्कुलर स्मूथ मसल को रिलीव करता है। इट मीडिएट माइक्रो
bicidal action of macrophages, yes, it is also true. It is serving as a neurotransmitter in CNS, yes, it is also true. And last option is, it induces platelet aggregation. No, it's false, because nitric oxide inhibit platelet aggregation. नेट्रिक ऑक्साइड प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करता है, कभी भी इंड्यूस नहीं करता. सो योर आंसर इज ऑप्शन डी. इट कैन नॉट इट इंड्यूसेस प्लेटलेट एग्रीगेशन. सो हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, नॉट द रोल. सो ये उसका रोल होता नहीं है, वो इनिबिट करता है. ओके, नाउ अनदर एमसीक्यू इज प्रोडक्शन ऑफ एन एबनॉर्मल आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन इन ग्रेव्स डिजीज कॉजेस. ओके, अगर कोई पेशेंट है जिसको आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से ग्रेव डिजीज हुआ, मींस ग्रेव डिजीज में क्या होता है, इन ग्रेव डिजीज व्हाट हैपन, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. ओके, ऑटो इम्यून डिजीज है इन विच अवर ओन सेल्फ इम्यूनिटी कॉजेस इंक्रीज इन लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन. और थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो व्हाट इट कॉसेस, इट कॉसेस थायरोटॉक्सिकोसिस. सो आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, नाउ वी मूव विद अवर अनदर एमसीक्यू, दैट इज व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट कैल्सिट्रायोल. ओके, अब कैल्सिट्रायोल क्या होता है, यस, सो कैल्सिट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी थ्री का एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल होता है. ओके, तो हमको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है. सो इट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री, यस इट्स करेक्ट. इट एनहांस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम बोन, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. इट एनहांसेस एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. बट द रॉन्ग स्टेटमेंट इज दैट इट प्रिवेंट ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. सो इट इज रॉन्ग. कैल्सिट्रायोल होता है विटामिन डी थ्री, वो प्रिवेंट नहीं करता, वो हमेशा एनहांस करेगा कैल्शियम और फॉस्फेट का रीअब्सॉर्प्शन. अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं होगा तो हम कितना भी कैल्शियम खा लो वो एब्सॉर्ब नहीं होने वाला. ओके, सो वो प्रिवेंट नहीं करता, वो हमेशा एनहांस करता है. सो योर आंसर इज इट्स प्रिवेंट ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट. ओके, now we move with our another MCQ, that is which of the following cells are called scavenger cell. ठीक है, scavenger cell किसको बोलते हैं, तो scavenger cell हम बोलते हैं macrophages को. ठीक है, macrophages को हम बोलते हैं scavenger cell. macrophages क्या करता है, it eats bacteria, वो bacteria को engulf कर जाता है. ठीक है, जहाँ पे bacteria दिखा उसको पकड़ के खा लेगा. ठीक है, so it is known as a scavenger cells. now which of the following pair of drug is considered as a selective alpha 1 blocker. okay, the classification ka straightforward mcq hai, that kaun si pair of drug hai jo considered hoti hai selective alpha 1 blocker mein. so that is prazosin and terazosin. okay, it is a alpha 1 blocker. now our last mcq is the following combination of drug are used in the treatment of सीवियर ट्रैवलर्स डायरिया. ओके, अगर कोई पेशेंट को सीवियर ट्रैवलर्स डायरिया है तो हम उसके अंदर कौन सा ड्रग यूज करेंगे. सो वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रीम एंड सल्फा मिथोक्सासोल, और इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्लोट्रिमाजोल. ओके, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, क्लोट्रिमाजोल. इनको हम 1:5 के फॉर्म में देते, मीन्स सल्फा मिथोक्सासोल 5 हो तो ट्राइमिथोप्रिम का 1% होगा. ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग जीपैट 2019 फार्माकोलॉजी. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.